आपके पैर में लग जाए तो आपको क्रचेस चाहिए, तो ये प्लांट को हमने क्रचेस दिए हैं सो दैट वो आईसीयू में चला गया है, तो इंटेंसिव केयर करनी है उसकी। कैसे करनी है? एकदम बढ़िया हो गया। वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। या पकौड़े शकौड़े बनाए जाए क्यों? दिल्ली का मौसम एकदम बढ़िया हो गया है, आंधी आई है, बारिश आई है, सो ऑब्वियसली गार्डन में काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है? बहुत सारे पौधे अपरूट हो गए हैं और पानी भर गया है पौधों में, गमलों में। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म। उसके बाद पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, नॉट एवरी प्लांट कैन एडजस्ट टू अ लॉट ऑफ वाटर। और छत पे आपके काफ़ी सारे ऐसे पौधे होंगे जो ज़्यादा पानी को नहीं सहन कर पाएंगे या उनको ज़्यादा पानी से नुकसान होगा। सो टू ऑफ देम आर राइट हियर। एक है मेरा ये जो थाई अमरूद का पौधा है और एक ये मेरा नींबू का पौधा, राइट? सो बोथ दीज प्लांट्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। जब बारिश हो जाती है तो इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, एक लेनी है आपने कोई भी स्टिक और उससे पूरा, कैमरा को मैं इधर पैन करूँगा, पास लेके आऊँगा कैमरा को, इसको पूरा नीचे तक इसमें ड्रेनेज होल्स बना देना सो दैट द एक्सेस वाटर कैन गो इन नीचे तक। और सेम मैं करूंगा अपने नींबू के पौधे के साथ। ध्यान रहे कि रूट्स, आप जो मेन स्टेम है उससे दूर रहना है आपने, सो दैट यू डोंट डैमेज द रूट्स इनसाइड, ठीक है? बट ड्रेनेज होल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर टू, आपके बहुत सारे प्लांट्स आंधी में अपरूट हो जाते हैं। अपरूट माने टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है? वो अपनी रूट्स छोड़ने लगते हैं, तो ज़रूरी है कि वी पुट इट बैक इनटू इट्स प्लेस। उसके लिए हमें प्लांट को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अपने बैंगन के पौधों में, कैमरा को मैं आगे लाऊंगा, ये जो है स्टिक्स लगाई हैं टू गिव द प्लांट द रिक्वायर्ड सपोर्ट सो दैट इट गोज़ बैक इनटू प्लेस। अभी आंधी में ये पूरे अपरूट हो गए थे और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं मुझे इस टाइम पे, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ माय ब्रिंजल प्लांट्स, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी था कि इनको वापस जगह पे हम फिट करें, तो अभी हमने इनको सपोर्ट दे दिया है। इट इज़ जस्ट लाइक जब आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए और आपके पैर में लग जाए तो आपको क्रचेस चाहिए, तो ये प्लांट को हमने क्रचेस दिए हैं सो दैट वो ठीक हो जाए। तो आई थिंक इन अनदर 3-4 days टाइम वील बी एबल टू रिमूव दी स्टिक्स, नहीं तो आप इसको लगे भी रहने दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्पॉर्टेंट थर्ड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जो फॉर्चुनेटली आज मेरे साथ नहीं हुआ है, आपकी आंधी में काफ़ी सारे ऐसे गमले हो सकते हैं जो टूट जाएं इमीजिएटली। आपने करना क्या है, अगर आपके पास रेडिली अवेलेबल पॉट्स हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, क्योंकि बारिश गीली है और गमला आपका टूट गया है, सो इट विल डिसइंटीग्रेट और आपकी रूट्स एक्सपोज हो जाएंगी प्लांट की, विच अल्टीमेटली विल लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जैसे ही आपको कोई टूटा गमला दिखे उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई गमला नहीं है तो किसी भी क्यारी में एक्स्ट्रा जगह बनाकर उसको टाइम बीइंग के लिए उसकी रूट्स के साथ गाड़ दीजिए, जब तक आप नया गमला लेकर नहीं आए। अगर आपके पास कोई जगह भी खाली नहीं है बट पौधा टूटा है, मिट्टी तो है, तो आपने करना क्या है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी अवेलेबल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पौधे को बचाने के लिए। ज़रूरी क्या है, पौधे को बचाना है। अभी पौधा हमारा जो है वो आईसीयू में चला गया है, तो इंटेंसिव केयर करनी है उसकी, या फिर चीनी का कट्टा होगा या चावल का कट्टा होगा या आटे का कट्टा होगा, कुछ भी होगा उसको निकालिए फटाफट, कुछ भी। जैसे ये मेरे पास ये कट्टा अवेलेबल है ना, तो आपने क्या करना क्या है, इसको इसके अंदर भरनी है मिट्टी और उस प्लांट को इसके अंदर डाल देना है, मिट्टी के अंदर गाड़ देना है। और जब तक आप नया गमला नहीं लेके आते उसको गाड़ने के लिए, तब तक ये आपके प्लांट को बचा के रखेगा, सो इट इज़ लाइक अ आईसीयू सपोर्ट। और ऐसे ही देखते देखते दोस्तों ये तूफ़ान भी निकल गया। कोई तूफ़ान हमेशा के लिए नहीं रहता। एंड वेरी ब्यूटिफुली पुट इन टू वर्ड्स बाय माई वाइफ भव्या, लाइफ्स अ ब्लूम, यू शेड योर पेटल्स येट यू रीगेन द वाइटैलिटी टू ब्लूम।
No matter how patchy the road is, no matter how cloudy the day is, life's a bloom, albeit don't expect it to be bereft of gloom. Hope you enjoyed today's video. Please do like, share and subscribe. Have a great day. Take care.